असाइनमेंट टू पॉइंट फाइव अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट टू हंड्रेड न्यूटन एंड लेंथ सिक्स मीटर इज सपोर्टेड बाई अ रोप एज शो इन द फिगर ये फिगर है एक यूनिफॉर्म प्लैंक है जिसका वेट है टू हंड्रेड न्यूटर और जब चूंकि ये क्या है यूनिफॉर्म है लहजा इसका जो सी जी है वो सेंटर में है यानी कि लेंथ ऑफ प्लैंक जहाँ पे थ्री हंड्रेड मीटर है वहाँ पर यह फोर्स एड करेगी इफ ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज़ फोर हंड्रेड न्यूटन यानी कि ये जो इसके अंदर फोर्स जो ब्रेक करेगी इसको वो 400 न्यूटन से जैसे ही ज़्यादा होगी यानी इसके ऊपर फोर्स टेंशन ज़्यादा जैसे ही फोर वन हो जाएगी 400.5 हंड्रेड पॉइंट फाइव होगी तो ये ब्रेक कर जाएगा हाउ फार कैन अ बॉडी ऑफ वेट 400 हंड्रेड न्यूटन वॉक टूअर्स द सपोर्ट तो अब तीसरी फोर्स क्या है इस बॉडी का वेट है ये कितना आगे आएगा तो इसका इतना टॉर्क लगेगा कि इसका टॉर्क और इसका टॉर्क मिल के इस टेंशन से जो फोर हंड्रेड न्यूटन है इससे बढ़ जाएगी तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करने के इतना आगे आ सकते हैं तो गिवन हमारे पास क्या है वेट ऑफ प्लैंक एफ पी टू हंड्रेड न्यूटन फिर है लेंथ ऑफ प्लैंक एल टी सिक्स हंड्रेड मीटर सी जी पॉइंट हमारे पास क्या है जहाँ पे इस प्लैंक का वेट टच हो रहा है आ रहा है एल पी इज इक्वल टू थ्री मीटर लेंथ ऑफ प्लैंक फिर है जी ब्रेकिंग टेंशन इसकी गिवन है फोर हंड्रेड न्यूटन वेट ऑफ मैन हमें गिवन है फोर हंड्रेड न्यूटन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी हम लोग मालूम करना है कितना आगे तक जा सकता है सोल्यूशन की तरफ आए आपको सबसे पहले पेवेड पॉइंट सेलेक्ट करना है ये या ये इस पर तो ऑलरेडी एक फोर्स लग रही है लहरा इसको हम पेवेट पॉइंट नहीं चूज़ करेंगे इसको पेवेट पॉइंट चूज़ करेंगे अब आपने देखना है कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि क्लॉक वाइज स्टॉक्स यूं करके लगने वाले होते हैं इक्वल इक्वल टू एंटी क्लाक वाइज स्टॉक्स इस पेवेट के अगेंस्ट एक ये क्लाक वाइज स्टॉक चल रहा है एक ये क्लाक वाइज स्टॉक चल रहा है और ये एंटी क्लाक वाइज चल रहा है ठीक है ये तस्वीर से समझ लें ये पिवट पॉइंट है इसके ऊपर यूँ फोर्स लगेगी तो ये क्लाक वाइज स्टॉक है ये पिवट पॉइंट है अगर इसके ऊपर यूं ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी तो ये काउंटर क्लॉक वाइज प्रोड्यूस करेगा इसके ऊपर तो अभी हम लोग सबसे पहले ये डायग्राम देख लें ये क्लाक वाइज और ये एंटी क्लाक वाइज तो पहले एंटी क्लाक वाइज देखते हैं क्योंकि एक ही है ये एफ टी न्यूटन और इसका डिस्टेंस कितना है पेविट पॉइंट से सिक्स मीटर तो 400 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्स मीटर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड मीटर अब हम लोग देखते हैं क्लॉक वाइज जो कि दो हैं एक ये एफ पी मल्टीप्लाई बाय एल पी यानी टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री मीटर और दूसरा क्या है एफ एम मल्टीप्लाई बाय डी ये पहला हो गया टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री मीटर और दूसरा फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय डी टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय डी इन दोनों को सॉल्व करते हैं टू हंड्रेड मीटर प्लाय थ्री सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड बाय डी फोर हंड्रेड न्यूटन और डी और इसको फर्दर इस इक्वेशन में आप डाल देते हैं दोनों को जो एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज स्टॉक्स मिले तो सिक्स हंड्रेड न्यूटन मीटर प्लस फोर हंड्रेड इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड न्यूटन मीटर इसको सॉल्व किया फोर हंड्रेड इधर ही रहें दिया सिक्स हंड्रेड उधर ले गए तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड एटीन हंड्रेड अब फोर हंड्रेड से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 हंड्रेड डिवाइड बाई फोर मीटर आंसर इज़ 4.5 मीटर यानी कि ये जो बॉडी है ये 4.5 मीटर इधर तक आए तब तक तो इक्विलिब्रियम रहेगा जैसे इससे थोड़ा सा आगे आएगा तो ये डाउनवर्ड टॉर्क या क्लॉकवाइज टॉक्स बढ़ जाएंगे इससे और ये रोप टूट जाएगी